कुछ समझ में आया कैसे बनेगा सवाल, वो समझ में आ गया ना? तो जनरली वो सवाल लोग छोड़ देते हैं, मैंने पहले ही बताया था 6 नंबर सवाल लोग से नहीं बनते हैं। और कितना तो कह देता है कि होबे करता है, मैंने हालांकि निष्पत्ति हम लोग यूज भी करते हैं, कौ से बराबर कौश भी, निष्पत्ति बराबर दंगल क्या होंगे, चूँकि वहाँ सिद्ध करने के लिए कहा, इसीलिए तू ही करके ठक नहीं सकती हो अपने आप को। क्या बात समझ में आ गया ना? अरे कई तरीक़ा से बनते हैं, अभी तू लोग थोड़ा लोअर लेवल हो, सब बात नहीं बता सकते हैं तुमको, लोड नहीं लोगे दिमाग, थोड़ा सा इंटर पास करके आओ तब मिलना इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हमसे, समझ में आ गया ना? तब तुमको अस्त्र शस्त्र प्रदान करेंगे, अभी उस योग्य नहीं हो तो संभाल पाओगी। हर का कलम किधर गया? अभी उस योग्य नहीं हुए हो सर जी, यहाँ पर सुमन सिंघानिया कैसा था? बढ़िया सुमन सिंघानिया, वही सुमन तो यहाँ था। अरे साहब ठीक था, मतलब क्लास में समझता बढ़िया था, होमवर्क नहीं कर, थोड़ा छोड़ दो पूरा उतना नहीं कर करता था, मतलब ठीक था, उतना खराब भी नहीं, मीडियम क्वालिटी का था वो भी, जितना होता था सब समझ जाता था, इसमें कोई दिक्कत नहीं था उसमें, है ना? अब काम देते थे करता भी था, लेकिन चलो चलो जो भी है 90 डिग्री माइनस थीटा मेहनत करता था और आगे बढ़ता, दिमाग है उसके पास भी, माइनस थीटा हाँ टेस्ट में तो भागता था टेस्ट देने से, क्योंकि हम तो कखनो पूछना शुरू कर देते हैं समझ में आ गया ना? 90 डिग्री माइनस थीटा या पाई बाय 2 माइनस थीटा कोण की सभी त्रिकोणमितीय, यहाँ तुमको जो भी चीज़ बताएगा जेन्युइन चीज़ बताएंगे और ऑथेंटिक चीज़ बताएंगे जो तुमको भविष्य में काफ़ी काम देंगे, कि निष्पत्तियाँ याद करें, है ना? क्या है जी, तुमको तो एक एक ऊपर ना इंटरनेट ढाकी ढाकी भर देते हैं डेली, एक थीटा डेल 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 सूत्र 90 माइनस थीटा। अच्छा पाए का मान क्या डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है, क्या डिग्री? डिग्री में यदि बोलेंगे 180, हाँ ठीक से लिख देते हैं, पाए का मान होता है 180 और बिंदा देते हैं, इसको कहा जाता है डिग्री, पाए का मान क्या डिग्री? त्रिकोणमिति में 22/7 यूज नहीं करते हैं, और पाए का मान 22/7 या 3.14। अरे पाए के विषय में 20 मिनट पढ़ाते हैं, आने दो सर्किल चैप्टर तब पढ़ाएंगे पाए के बारे में, सर्किल आएगा ना बिरित, वहाँ पाए के बारे में पढ़ाएंगे, अभी इतना ही जानो, हाँ एक सर्किल थोड़े पढ़ाएंगे, इसके बाद एक ही पढ़ाएंगे, सर्किल तर्किल वाला ठक मूट चैप्टर बाद में पढ़ाएंगे, पहले अच्छा चैप्टर पढ़ लो, एक ही पढ़ लो, इसके बाद देखेंगे जो मन मांगा कह देगा पढ़ देंगे, वो सब बाद में पढ़ाते हैं, पहले एडवांस पोर्शन कवर करते हैं फिर जनरल बात। तो चलो 90 डिग्री माइनस थीटा या पाई बाय 2 माइनस थीटा कोण की सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां क्या करिए, याद करिए, एक ट्रायंगल बना लो, अच्छा ए मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, बी, इसको मान लेते हैं, जिस कोण को थीटा मानो सामने वाला लंब, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, कितना डिग्री? 180 डिग्री। अच्छा ई कितना है? 90। ई कितना है? थीटा। ई कितना होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी, अरे छोड़ो ना, एंगल सी बराबर क्या डिग्री होगा? 180 डिग्री। माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, माना कि ए बी सी एक क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ये क्या है, ए बी सी एक क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। और तुमको जो कोऑर्डिनेट पढ़ा है ना, ग्राफ देखना, आँख मुन लो, ऐसे ग्राफ खींच देना, कुछ भी नहीं है ग्राफ में, इसीलिए पहले कोऑर्डिनेट पढ़ाते हैं, कोऑर्डिनेट ग्राफ में कुछ है ही नहीं, बहुत इजी ग्राफ है, पता नहीं लोग यहाँ कैसे ग्राफ कितना भारी भरकम कि हालत ख़राब विद्यार्थी के लिए पढ़ते हैं तो ग्राफ बनता है एग्ज़ाम में, है गजब, विद्यार्थी मेहनत नहीं करता होगा, दूसरा बात वो भी है। तो माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण बी क्या है, कोण बी 90 डिग्री समकोण है, कोण बी क्या है, समकोण है, एंड पुनः माना कि कौन सी बराबर क्या है, थीटा है, पाई वाला अलग रखो कंसेप्ट, उसको लिख लेना कॉपी में बगल में, है ना, ये अलग है पाई वाला, इसमें नहीं है उस इंक्लूडेड, चलो इतना बात लिख दिया मैंने, देख रहे थे यहाँ लिखते हैं कोनो बात नहीं, कहीं लिखो, अच्छा इतना तक समझ में आ गया। देखो कौन बी कितने डिग्री है, 90 डिग्री है, तो एंगल ए प्लस क्या होंगे, 90 डिग्री प्लस थीटा, सी कितना है देखो यहाँ से, थीटा है, बराबर क्या होंगे, 180 डिग्री। बोलो एंगल ए बराबर यहाँ से क्या निकलेंगे, 180। ई दोनों को उठा के उधर ले जाओ तो 180 में से माइनस 90 और माइनस क्या होंगे, थीटा क्या ऐसा होंगे, है ना, एंगल ए बराबर बोलो यहाँ से क्या होंगे, एंगल ए बराबर 180 से 90 गया,
90 माइनस क्या होंगे थीटा। क्या ये निकल चुके हैं? अच्छा हेडिंग में क्या लिखा हुआ है वही। अच्छा पाई का मान कहते हैं 180 होता है ना, 180 में तू भाग देगा 2 से तो क्या निकलेगा, 90 निकलेंगे। वही बात हुआ, ऐसे लिखो या पाई की भाषा में लिखो, बात समझ में आया। अच्छा देखो यहाँ से ये मान बोलो कितने निकल गया, 90 डिग्री क्या निकलेगा माइनस थीटा निकलेंगे। ये मान कितना निकले, 90 माइनस थीटा। ठीक है स्पीड नहीं ज़्यादा, ठीक है चलो धर जाएगा जब स्पीड बता देना, कम थोड़ा कर दीजिए, याद नहीं रहता है हमको क्योंकि आदत बहुत लंबे समय से लग चुका है, सालों से आदत लग चुकी है, इसीलिए कम कर देना, चैन खींच देना मेरा तब रुक जाएंगे हम। बांध दीजिए 20 के स्पीड में। अरे वो रुकता नहीं है, अपने 90 पकड़ लेता है तुरंत गाड़ी, एक धर लेगा। 100 के पारे बात करते हैं है ना, भूल जाते जाएगा हम सिवा आगाम, ये भूल जाते हैं कि कौन ब्याची भी भूल जाते हैं, फूलो जब मेरा धर लेगा तो हाँ वो भूल जाते हैं क्या है एकदम, तब धुरंधर स्पीड चलता है एकदम से। अच्छा ए बराबर 90 डिग्री माइनस क्या निकल चुके हैं थीटा निकल चुके हैं। हमको निकालना क्या था, 90 डिग्री माइनस थीटा या पाई बाय 2 माइनस थीटा, कौन की सभी त्रिकोणमितीय क्या निकालिए, निष्पत्तीय निकालिए, यही निकालना था। 90 डिग्री माइनस थीटा या पाई बाय 2 माइनस थीटा, कौन की सभी त्रिकोणमितीय निकाल, ठीक है लगाते हैं 90 में थीटा, बोलो इस त्रिभुज में क्या होंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर जिस कोण को थीटा मानो सामने वाला परपेंडिकुलर लंब, साइन थीटा बराबर लंब बटे लंब बटे क्या होंगे बीसी बटे क्या होंगे एसी। अच्छी बात है बीसी बटे एसी हो जाएंगे, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो बीसी बटे एसी इस कोण के लिए क्या होंगे, इस कोण के लिए देखो जिस कोण को थीटा माने सामने वाला लंब, कॉस थीटा बराबर आधार बटे इस कोण के लिए होगा बीसी बटे एसी क्या होंगे, बोलो इस कोण के लिए बीसी बटे एसी क्या होंगे कॉस थीटा होंगे जी, इस कोण के लिए समझ में आ गया ना। अब ई देखो ई बीसी बटे एसी इस कोण के लिए क्या होंगे, कौन निष्पत्ति होगा त्रिकोणमिति का, तो जिस कोण को थीटा माने सामने वाला कॉस थीटा वाला आधार बटे कर्ण। अच्छा ये कॉस थीटा होगा, सूत्र निकल चुका है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, बोलो सूत्र निकल चुका है क्या निकल चुका है कॉस थीटा निकल चुका है, समझ में आया थ्योरी नहीं पढ़ना है पर समझ में आ गया थ्योरी। अब इसी प्रकार से सब निकालेंगे सिमिलरली, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा वाला बात करो जिस कोण को थीटा माने सामने वाला और कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो क्या होंगे ए बी बटे क्या होंगे एसी होंगे। और ई बात करो किस किस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए जिस कोण को थीटा माने सामने वाला और लंब बटे ए बी बटे क्या हो जाएंगे ये साइन थीटा। यहाँ से बोलो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होंगे साइन थीटा, निकल चुका है ना ये, इसी प्रकार सबको निकालेंगे। अब बात करो आगे टेन 90 डिग्री माइनस क्या बात करेंगे थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बात करेंगे। अब दो तरीका यहाँ से है, फिगर से निकालो या साइन में कॉस का खींच दो, किससे करेंगे बताओ, फिगर समझ गए वैसे कर देते हैं, अब समझ गए फिगर कैसे निकालेंगे, साइन 90 माइनस साइन एंगल बराबर टेन एंगल बराबर साइन एंगल बटे कॉस एंगल, समझ में आ गया ना, जो एंगल लगा वही पुट कर देंगे, जो एंगल लगा वही क्या कर देंगे रद्द कर दिए। अब साइन 90 माइनस थीटा कितना निकल चुका है बताओ, कॉस थीटा निकल चुका है ना, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या निकल चुका है और कॉस बटे साइन क्या रटे हो तो कॉट थीटा कोट वन कोट, तो यहाँ से क्या निकल चुका है टेन 90 माइनस थीटा बराबर बोलो क्या निकल चुका है कॉट थीटा, समझ में आया जी प्रूफ के साथ। ई वाला बात हो गया, ये वाला बात हो गया है ना, पेज जगह है खाली, कमरा बना देते हैं है ना, ठीक है ना, अट जाएगा इसमें भी बढ़िया है, लाइन नहीं तो दिमाग खराब करता गर्मी में पढ़ो। अब किसका निकालेगा उल्टा देंगे कॉट का, कई तरीके हैं टेन का फिगर्स निकाल देंगे, उल्टाइयो देंगे अल्लम बटक करनों से हो जाएगा, जिससे मन है उससे करो। हाँ चलो से साइन है तो कॉट का निकालेगा, अच्छा कॉट 90 डिग्री क्या निकालना है माइनस थीटा बराबर टेन, कॉस बाय साइनो कर सकते हो या वन बटे टेन और 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट एंगल वन बटे टेन एंगल होंगे। अब बताओ
कॉट 90 डिग्री में थीटा बराबर हुआ, 1090 में थीटा क्या निकला है, कॉट 1090 में थीटा क्या निकला है, कॉट थीटा निकला है ना जी। और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा 1 बटा कॉट तो 10 टेन थीटा होगा जी। तो फार्मूला निकल चुका है, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या निकल चुका है, टेन थीटा निकल चुका है। अब किसका निकालेंगे, सेक का है, सेक किसी का निकालो, हाँ कोसेक का, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 1 अपॉन क्या होंगे, साइन थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस क्या होंगे थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या निकला अभी, कॉस थीटा, मछली मार कर दे पैसा लगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और ये निकला है सेक थीटा, एक बार कोसेक 90 माइनस क्या होंगे थीटा, थीटा। तो यहां से बोलो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होंगे, ये 1 / cos क्या होता है sec, तो sec थीटा हो चुके हैं, समझ में आ गया जी। और बचा है वो sec बचा है, नेक्स्ट पेज लाओ, जाओ पेज लगा ला, अगला चैप्टर नहीं खत्म करेंगे, सवाल हैं को थिन, थिन लाओ तो, हां थिन है नीचे, अच्छा रहने तो थिन है, लगा ना थिन, चलो नेक्स्ट, चलो यहाँ ध्यान दो। अब किसका निकालेंगे, सेक का, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस कॉस कहाँ होता है, कोसेक, सी ओ एस ई सी होता है ना, अरे सेक थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, 1 बटा कोसेक, हमको नहीं है पता, तुम बताओ, सेक थीटा बराबर क्या होते हैं, सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा, कॉस ही होता है, 1 बटा क्या होंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होंगे जी। सेक थीटा साइन का उल्टा कौन होता है, साइन का उल्टा कॉस, कोसेक, कोसेक कौन उल्टा आता है, देखो संबंध देखो, हां उल्टा ना बोले सर, हम क्या पूछे हैं, उल्टा वाला संबंध, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक और टेन का कॉट यहां भी वहां भी, और सेक का क्या होते हैं, कॉस, सेक का कॉस, उल्टा संबंध में, उल्टा संबंध में सेक का कोसे होगा, उल्टा संबंध में, हाँ ठीक है ना, समझ में आ गया ना, कन्फ्यूज कर गया, जा कॉपी देखो फिर से, चलो फिर से एक बार लिख दे, कन्फ्यूज कर गया, तो चलो सेक बराबर 1 बटा कॉस ठीक है। तू सीधा सोचो, ऐसे दिमाग में नहीं आता है, तू साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण ठीक है, और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, दोनों उल्टा संबंध गुना करेंगे तो एक होगा, उल्टा संबंध गुना करने क्या होती है, अब बोलो, अब दिक्कत, अच्छा कॉस थीटा और आधार बटा क्या होते हैं, आधार बटा कर्ण, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा क्या कहते हो, अब गुना करेंगे तो एक, इसका मतलब सेक कॉस में क्या संबंध है, उल्टा संबंध है, उल्टे वाला गॉफ होता है, अब पकड़ना कन्फ्यूजन तो वहीं से उसको धर लेना है, तो बोलो यहाँ से क्या निकलेंगे, कॉस 90 डिग्री थीटा बराबर क्या होते हैं, साइन थीटा भी पर है ना, अब 1 बटा साइन बराबर कोसेक थीटा, अब सारा फार्मूला एक जगह देखो, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, चेंज होने वाला जो बोले थे ना, उल्टा नहीं, यहाँ 90 माइनस में जो है ना, सिर्फ 90 माइनस वाला में तुम्हारे सिलेबस में चेंज होगा, साइन होंगे कॉस में चेंज, किस में, कॉस में चेंज होने वाला, लिख देते हैं यहाँ पर, यहाँ पर एक बार समझ में आ गया ना, सिर्फ पूरा एक एक आसान है, टेंथ में साइन किस में चेंज होते हैं, कॉस किस में, साइन में, टेन किस में, कॉट टेन में, उसके बाद सेक कोसेक, कोसेक सेक कोसेक में, ये कौन संबंध हो गया है, चेंज, ये सिर्फ 90 माइनस जब होगा तब होगा, अब बाकी सब जगह वही करना जो तुम करते आए हो अभी तक, उल्टे वाला गॉप, टेंशन खत्म हो गया ना जी, सिर्फ 90 माइनस आएगा ना तो तब बुझना ही लगा, नहीं तो सब जगह वही लगा जो जानते हो अभी तक, सीधा सीधी एक सांस में बिना सांस लिए हुए, अब बोलो साइन चेंज है तो किस में बदल जाएंगे, अच्छा कॉस लिखेंगे तो तब क्या लिखेगा, कॉस लिखेंगे क्या लिखेगा, साइन, देख लो रिटिंग सब क्या होगा, कितना हो गया, आप किसका लिख देते हैं, टेन का, टेन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट लिखेगा तो किसमें होंगे, टेन टेन दस में ठीक है ना जी, आगा बोलो सेक लिखेगा तो कोसेक, अब कोसेक लिखेगा तो सेक ठीक है, इस यही सूत्र हुआ, अभी मैंने जिसको प्रूफ किया एक जगह लिख दिया सबको, नेक्स्ट चैप्टर लो, अब चैप्टर लो, क्या गो छोड़ो ना, क्या गो रहने दो, क्या आठ गो है, पांच गो है, देखो यहाँ एक्सरसाइज कितना है,
8.3 घंटा लागते हो 20 मिनट। पहल सवाल बोलो क्या है, निम्नलिखित का मान निकालिए। साइन 18 डिग्री, अरे पूरक कोण पता है ना, 18 + 72 कितना होता है, 90। ऐसा जब होंगे किसी को किसी में बदल दो, जिसका मन करे उसमें, मन करे साइन को कॉस में तो वह कर सकते हो, साइन किसमें चेंज होगा कॉस में लिखल है, आप कॉस किसमें कर सकते हो, जो मन करे वही करो, जो मन करे वही करे। अच्छा साइन 90 - क्या लिखेंगे 72 डिग्री। अच्छा कैसे बुझे 72 पूरक है ना, यही चीज़ घटा देंगे तो पूरेगा 90 में से 72 का क्या होगा 18 डिग्री पूरा ना। अब बोलो अब लगा फार्मूला साइन 90 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा, तो कॉस क्या होंगे 72 डिग्री, अब बटा फिर कॉस क्या होंगे कट करके, या दूसरा तरीका से देखो, कई तरीके हैं बनाने के लिए, तू भी तो खूब पढ़ा लिखा लोग है। साइन 18 डिग्री इसको छोड़ दो, साइन 18 डिग्री अब बटा बदल देंगे कॉस 90 डिग्री माइनस क्या बदल देंगे 18 डिग्री होंगे ना, तो साइन 18 डिग्री अब बटा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा हुआ, अब बराबर क्या होंगे 1। समझ में आ गया ना। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 बोलो, टेन कितने डिग्री है, बटे कॉट किसको बदले बोलो, किसको बदले, अब कैसे बुझेंगे वही लगेगा 6 - 4 - 10 के सुनना, हाँ सिर्फ चले एक 90 पूरा ना बुझ जाना, वही बोला गॉफ है सीधा, किसको बदलेंगे जल्दी बोलो, 10 को बदल दें, तो लिख सकते हो ना 10 - 90 डिग्री 26 को इस प्रकार से लिखो, 90 के घटा करके 26 से पूरे यही घटाएंगे, 90 माइनस क्या घटा देंगे 64, और बटे में क्या होगा कॉट 64 डिग्री, तो 10 - 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, तो बहुत पढ़ा लिखा है कॉट 64 - क्या होंगे कॉट 64 डिग्री कट करके 1। जनरली जो इस प्रकार से पूरा वाला होता है ना वो कट कर एक ही होता है, वो जान लो, आंसर नहीं पूरे एकदम एक घर देना वैसे ही होगा तुम्हारा। ऑब्जेक्टिव इमरजेंसी में बोले टेम ने है अब ले रहा है तुरंत एक देख घिस देना आंसर, 0 तो होगा नहीं, एक ही होंगे, देख लेना पहले चेंज होने वाला ऊपर नीचा रहेंगे ये वाला गॉप, और दोनों जन पूरा वो जन के आंसर होगा सीधा, कंपटीशन वैसे करना है कम, कंडीशन दिमाग में लगाना ई सब वाला गॉप, साइन बदलेगा कॉस में ठीक है, अब पूरा है एक आंसर तुरंत लिख दो खर देकर आगे बढ़ो तुरंत, मतलब फ्रैक्शन सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ो, इधे करना है लिख करके तो गया टाइम तुम्हारा लैप्स हो चुका है, यही सब टेक्निक बताते हैं कंडीशन में ऐसे करना है ऐसे क्वेश्चन बनता है, शुरू तो सब पता रहता है पहले से, टेक्निक यही सब है, समझ में आ गया ना, तो अभी से पहले बताते जाते हैं तो वहाँ और आसान हो जाएगा, तो कॉस 48 डिग्री समझ गया, माइनस साइन 42 डिग्री, यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो, हाँ 90 तो 0 होगा पता होगा आंसर सबको पहले से, देखो कैसे इसका पूरा किए साइन बदलेगा कॉस में, और दोनों पूरा आंसर 0 सीधा जी, सीधा खींच दो इससे जब भी मिलता है, तो 10 रहेगा कॉट लगा तय 0 से कह सकते हो 0, बात समझ आ गया ना। अब बोलो क्या सॉल्व करना ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, देखिए टिक, अरे टिक लगाने में और रंगने में जो समय लग जाए उतने ही लगते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, दिमाग लगाना कुछ भी नहीं है, टिक लगाओ रंग वगैरह भरो सीधा जैसे लिखना चाहते हो, चलो तो इसको क्या बदलेंगे हम लोग, कॉस 90 डिग्री माइनस क्या लिखेंगे 42 डिग्री माइनस क्या करेंगे साइन 42, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन 42 डिग्री माइनस साइन क्या करेंगे, अगला वाला बुझ गया ना बन जाएगा ना, चलो 2 नंबर क्वेश्चन LHS बराबर, वो तो सीधे 1 होगा, देखो उसको भी सॉल्व कर ले, तुमको सिखाते हैं कैसे बिना कलम उठाए सवाल सॉल्व होते हैं, 10 - 23 डिग्री इंटू क्या है 10 - 42 डिग्री इंटू 10 क्या है 67 डिग्री, और तुमको पता है 10 थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 10 थीटा। अच्छा एल एच एक लिख दिए, चलो ठीक है कोई बात नहीं है, आए होता है कैसे करेंगे सॉल्व बताओ, एक सुनो कई तरीका है सॉल्व करने के, इसको साइन और कॉस बदल देंगे उससे भी हो जाएंगे, एक मुझसे नहीं करना है, 10 इंटू कॉट क्या होती है 10 इंटू कॉट, अच्छा 48 का पूरक बोलो क्या होगा 42, 23 का पूरक दो को छोड़ दो तो बदल दो जी, ठीक है ना, 10 - 48 डिग्री इंटू 10 कितने डिग्री 23 डिग्री, और इंटू 10 - 90 डिग्री माइनस क्या होगा 48 डिग्री, और इंटू 10 - 90 डिग्री माइनस कितने डिग्री होगा 23 डिग्री होंगे जी, चलो 10 - 48 डिग्री
इंटू टेन कोई दिक्कत जल्दी बोलो हाँ कोट 48 डिग्री इंटू कोट 23 डिग्री टेन थीटा इंटू कोट थीटा अब टेन थीटा इंटू कोट थीटा तो एक गुना एक बराबर एक आर एच एस प्रूफ जल्दी पेज लाओ पेज बदलो बदलो पेज खाता पेज खत्म नहीं करते हैं कल जाओगे लाने के लिए हमारे भरोसे सब खत्म कर रहे हैं चैप्टर में तो खत्म कौन करते हैं हम तो पढ़ने में बहुत तेज है डर लगता है तुमको तुमको फंसा नहीं देगा लगाइए फेंक देता है सीधे लगा के नहीं देगा पंखा बंद करो नहीं होगा चैप्टर खत्म क्या किसको किसको लगता है खत्म नहीं होगा चैप्टर चैप्टर तो हम ही लोग खत्म कर लेंगे तो समझ में नहीं आता है चलो फैन ऑन करो चलो यहाँ ध्यान दो ना कहाँ ध्यान देता है तू पन्ना पर पन्ने पर ध्यान देना है और नहीं देगा तो बुझबे करते हो क्या होगा फिर घसीटा राम देखो ये सवाल भी बन जाएंगे देखो यहाँ तुम लोग के लिए नहीं है कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी इसमें रेखा को चेंज करेंगे बस साइन कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी नहीं कॉस ए प्लस बी अरे शांत रहो हल्ला करता है कॉस ए प्लस बी सूत्र क्या होता है कॉस ए प्लस बी का कॉस ए इंटू कॉस बी कॉस में क्या साइन ए प्लस बी करते हो तो प्लस ही आता है ना और कॉस में माइनस प्लस कहो तो माइनस माइनस कहो तो प्लस तो माइनस है कि कॉस ए प्लस बी हो जाएगा तो कॉस ए प्लस बी यानी कि कॉस ए इंटू कॉस माइनस साइन ए इंटू साइन बी कॉस ए प्लस बी तो 48 प्लस 52 कितने होता है 90 और 90 तो कॉस क्या 90 डिग्री और 90 डिग्री कितने होता है साइन 00 कॉस 01 0 पुर गया एक लाइन में हाँ चलो अब आगे तुम लोग अब देखो मोड़ के रखो इसको दो नंबर में देखो एल एच एस बराबर या यहाँ ध्यान दो कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री कॉस 38 डिग्री अरे कुछ कुछ तो बोलो भकवाल कहा है तू नहीं चैप्टर खत्म होगा उसी का टेंशन है अरे चैप्टर नहीं खत्म होगा उसी का टेंशन है बोलो ना खत्म कर देते हैं तुरंत एगो को रहने दो एगो क्या करो काहे आगा पता चल जाएगा साइन 38 का बोलो बदलो यहाँ ध्यान दो साइन 90 डिग्री माइनस क्या होंगे 38 का पूरक 52 इसको बदलो 38 इसको बदलो साइन 90 डिग्री माइनस क्या होंगे 38 डिग्री 52 होंगे अच्छा साइन 90 माइनस थीटा कॉस 52 डिग्री बोल नहीं रहे हो तुम कॉस 90 माइनस थीटा 38 डिग्री अच्छा अरे यह तो साइन है ना तो फिर कॉस का लिखा साइन 90 माइनस थीटा क्या होंगे 38 डिग्री कॉस 38 डिग्री बराबर 0 बराबर आर एच एस प्रूफ तीन नंबर पर वो सवाल चेक करके यदि टेन टू ए बराबर कोट कोट इंटू ए माइनस 18 डिग्री जहाँ क्या इंटू पढ़े जाते हैं उस चक्कर में बताते हुए कि इंटू नहीं पढ़ा जाता है कोट ए माइनस 18 डिग्री पर हो तो कोट कोट ए माइनस 18 डिग्री जहाँ टू ए एक न्यून कौन है तो ए का मान ज्ञात कीजिए अरे यहाँ की है टेन टू यहाँ क्या है कंसेप्ट एंगल बराबर तो निष्पत्ति बराबर क्या निष्पत्ति सॉरी निष्पत्ति बराबर तो एंगल क्या होते हैं क्या निष्पत्ति बराबर है अच्छा बोलो इसको लिख सकते हो कॉट 90 डिग्री माइनस टू ए बोलो किसी को दिक्कत कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा टेन थीटा होंगे और निष्पत्ति बराबर एंगल क्या होंगे 90 डिग्री माइनस टू ए बराबर क्या होगा ए माइनस 18 डिग्री इधर लाओ इसको इधर सब अच्छा चल एक साइड पर सबको करो जो मैंने वही करो क्या करेंगे माइनस तो 90 डिग्री माइनस टू इधर लाओ माइनस ए एक स्टेप और लिख देते हैं दसवां हाथ पे जन भरना पड़ता है बराबर क्या होगा अरे टू ए कितने होगा माइनस थ्री ए 90 प्लस 18 बोलो 108 बहुत पढ़ा लिखा लो बराबर क्या होंगे उधर भाई रिक्वेस्ट करके उधर जाइए थोड़ा सा रेस्ट करिए उधर माइनस 108 होंगे 108 होंगे अच्छा इसीलिए ए बराबर बोलो माइनस 108 और डिग्री बटा क्या होंगे काटो जल्दी से 36 डिग्री देखो गुना भाग कितना टेस्ट है ठोस है मतलब जल्दी बोलो कैलकुलेटर सब फास्ट है क्वेश्चन नंबर जल्दी पढ़ो ना अगला 4 क्वेश्चन नंबर कितना पढ़ो जल्दी यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a + b बराबर 90 अच्छा निष्पत्ति बराबर
तब ना एंगल बराबर, टेन पति बराबर है, बदल दो किसी को, टेन ए बराबर कॉट बदल लिख सकते हो, कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस बी ए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, अनिष्पत्ति बराबर एंगल बराबर सर जी, यहाँ ए ना होगा तबे ना अथी लेंगे तो कॉट कॉट ए हो जाएगा, ए होगा नहीं, नहीं अगला पढ़ो ना जल्दी, सवालों ने पढ़ता है, पढ़ो ना सवाल, यदि sec 4 a, यदि यदि sec 4 a बराबर cos a माइनस बी, क्या यहाँ पर निष्पत्ति बराबर है, निष्पत्ति बराबर है, एंगल बराबर होंगे नहीं, नहीं तो क्या करेगा इसको, कोसेक 90 डिग्री माइनस क्या लिख देगा, सब आप ही बना, अरे हल्ला शांत करो ना, तू हल्ला करता है, जाओ उधर घूम के आओ, नहीं बनाएंगे तो कल देखेंगे यूट्यूब पर, अब बोलो सेक 90 डिग्री माइनस 4 बराबर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा और क्या होता है, कोसेक 90 डिग्री थीटा और सेक थीटा होता है ना, निष्पत्ति बराबर एंगल क्या होंगे, तो 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस क्या होंगे 20 डिग्री, इधर लाओ एक साइड सबको लाओ, 90 माइनस 4a इंटर होता है, एक बार घिस देते इधर आएगा तो माइनस आएगा, तो प्लस है तो माइनस होगा, माइनस होगा क्या होंगे, प्लस बराबर क्या होंगे जीरो, बोलो 90 प्लस 20 120 है, उधर ले जाओ माइनस 110 और 4 एक 5 कट गया, 22 पंचे 110 होता है ना, एक अंक कितने निकल गया, ए बराबर कितने निकल गया माइनस में, माइनस माइनस उड़ गया, उड़ गया, हटाओ हटाओ हटाओ, अगला सवाल चलो, कहता है चैप्टर खत्म नहीं करते हैं, खाली हरा झंडी दिखा दो तो हम तो मैथो का ध्यान देंगे 5 दिनों में, तब यदि ए और बी, हाँ पढ़ो जल्दी, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन साइन इंटू ए प्लस, अरे हो गया बहुत लिमिट लिमिट किया, ए बी सी क्या है त्रिभुज है ना, क्या कौन कौन बोला है अंतः कोण ना, तो बोलो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या डिग्री होंगे, अरे बी प्लस क्या है उधर भेजो उधर जाओ उधर जाओ, बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री माइनस क्या होंगे, अरे वहाँ की लगल है दू से भाग दिल है दे दो भाग, एंगल बी प्लस एंगल सी बटा 2 180 डिग्री माइनस एंगल ए बटा क्या होंगे, एक स्टेप और लिखो, एंगल बी प्लस एंगल सी बटा 180 भाग देगा, बोलो कितने होगा 90 डिग्री माइनस, बोलो जल्दी ए बटा 2 एंगल ए बटा क्या होंगे, अरे क्या लिया है दोनों तरफ साइन लेने पर जी, दोनों तरफ साइन लेने पर क्या ले लेंगे, क्योंकि आंसर में क्या है साइन है, क्या हुआ कुछ तो बोलो, साइन 90 माने थीटा बराबर कॉस थीटा, अच्छा कॉस थीटा तो कॉस ए बा क्या होंगे, आंसर मिलाओ आंसर, आंसर मिल गया है, मिल गया अच्छी बात है, प्रूफ, सवाल कहाँ भाग रहा है, लाओ इधर पकड़ के, क्या लिखल है साइन 67 डिग्री और कॉस कितने डिग्री को, 0 और 45 के बीच के कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात व्यक्त कीजिए, व्यक्त कर लेंगे, कर देते हैं कर देते हैं, अरे कर देते हैं व्यक्त, क्या तुमको कहे कष्ट देंगे, अभी तुम्हारा समय है सवाल बनाने का, आराम करो अभी बाद में बनाना, क्या घंटा बोले थे, क्या घंटा बोले थे, आधा घंटा, क्या मिनट हुआ 15 मिनट में 8.3 का खत्म, जल्दी लाओ 3 घंटा वैसे कहते हैं, 3 गुणा 3 मतलब क्या घंटा, 3 घंटा, त्रिकोणी मतलब क्या, त्रिकोणमिति मतलब 3 घंटा, हम बुझते हैं सीधा, कोऑर्डिनेट मतलब 2 घंटा, एपी 2 घंटा हो इसी में कर देंगे, जल्दी अगला पेज लो, अरे ता है ना कर देंगे रस रस पढ़ाता है एकदम, 8.2 से आज चले हैं 3 बजे से 8.2 से चले हैं, थ्योरी सही तो 180 तक मान वो प्रूफ सब चल रहा, चलो आगे पढ़ो, इधर देखो एगो बच्चा खींचे देते कल 8 घंटा खत्म कर देंगे, परसों से नया चैप्टर शुरू करेंगे, कह रहे हैं कितना पढ़ेगा, ये कोनो उम्र है सर बनाने का, बैठो आराम से चलो, 8.3 का क्वेश्चन नंबर कितने है, 7 है ना, कितना है क्वेश्चन नंबर, अरे की बोला है पढ़ो तो सवाल पढ़ने आता है तुमको, पढ़ा सवाल पढ़ो एक बार, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोण
कोनो में कोनो के त्रिकोणमिति है अनुपात यानी कि इसको तुमको 0 से 45 से में खेल वेल करना है किसके बीच में 0 से 45 इसको लिख देंगे सर जी साइन 90 डिग्री माइनस कितने लिखेगा 20 डिग्री हैं 20 डिग्री और इसको बोलो क्या लिखेगा 15 डिग्री cos cos 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री साइन 90 में थीटा बराबर cos थीटा cos 20 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री भाग गेले यार याद ही रहे अगला चैप्टर शुरू करें एक्सरसाइज इक्कीस भर देते हैं एक दशमलव कितना है अरे पढ़ो की लिखल है पढ़ो अरे सवाल तो पढ़ो सर जी आठ मिनट सवालों ने पढ़ता है एक पढ़ न लो एक सवाल पेट भर देते हैं सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए सबको के पदों में सबको किस में बदलना है सबको किस में बदलना है बात मत बदलना त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ए टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए कल खून बढ़िया पढ़ा दीजिएगा चलो ठीक तुम्हारा बात मान लेते हैं।